आज टीम किश्तवाड़ इधर मड़ एरिया में आई हुई है, जो कि बॉक्स क्लब ट्रैक के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे जो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन छात्रों ने आज बॉक्स क्लब फेस्टिवल किया था, तो उसका ट्रैकिंग रूट इस पूरे इलाके में था, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। और सिर्फ 45-50 मिनट्स का ये ट्रैक है, जो कि मुझे लगता है फैमिलीज़ के लिए भी बड़ा आइडियल रहेगा। और पास में ही इतने सारे झरने हैं, तो दिस सर्व्स एज अ आइडियल पिकनिक स्पॉट। तो मुझे लगता है जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं, चाहे वो किश्तवाड़, डोडा, रामबन के हों, या फिर कश्मीर की तरफ से भी जो अनंतनाग से और श्रीनगर से लोग आते हैं, मैं सभी को इनवाइट करूंगा दैट इस जगह पे ज़रूर आएँ और इसकी खूबसूरती का आनंद। थैंक यू। आज यहाँ पर बॉक्स क्लब फेस्टिवल था सिंहपुरा में, तो मैं सिंहपुरा का ही रहने वाला हूँ। एंड मैं शुक्रिया करता हूँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, आर्मी का, और जो भी यहाँ पर लोग आए उनका शुक्रिया करता हूँ, बिकॉज दिस थिंग प्रमोट अवर टूरिज्म एंड अदर एक्टिविटीज़। एंड ये पूरा फोकस हमारे जो सिंहपुरा है उस पर फोकस बिठाती है, एंड सम हाउ ही दिस थिंग हाईलाइट अवर सिंहपुरा। एंड मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि है एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया, आर्मी हमारी आर्मी का भी शुक्रिया, और जितने भी लोग यहाँ पे आए, चाहे वो बाइक राइडर हो, फैमिली हो, मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई एंड आगे भी होती रहेंगी। एंड मैं आपसे कहूँगा कि जो भी मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। नेक्स्ट टाइम भी जब भी कुछ इवेंट होगा या फेस्टिवल होगा, तो मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। एंड जहाँ से भी आप हो, किश्तवाड़ से हो, जम्मू से हो, जहाँ से भी आप हो, यहाँ आते रहें, हम आपका वेलकम करते हैं। और आपने जो हमें प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, आज किश्तवाड़ के अंदर सिंहपुरा के अंदर जो एक सिंहपुरा फेस्टिवल रखा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। मैं बेसिकली जम्मू से हूँ और काफ़ी दिनों से यहाँ हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। ये चीज़ें कम ही देखने को मिलती हैं हमें, और जो जैसे कि हमने इन्जॉय किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी ज़्यादा लोग जैसे आए हुए थे, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। और डीसी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। तो ऐसी जगहों में आना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे लोगों को कम, मतलब बैकवर्ड लोग रहते हैं, यहाँ पे रोजगार ज़्यादा कम है। तो जैसे कि जैसे टूरिज़्म ज़्यादा आएगा तो उनको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा। जानते हैं इस फूल को बोलते हैं फॉक्स ग्लो, तो इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे, जम्मू से जैसे कि आए हुए थे, बाकी दूर दराज एरिया से आए हुए थे। तो ये फूल सबसे ज़्यादा इस एरिया में देखने को मिलता है, इसी नाम से इस फेस्टिवल का नाम रखा हुआ था, फॉक्स ग्लो फेस्टिवल। तो इसीलिए हम ये तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत शुक्रिया। राम राम। मैं आकाश ठाकुर, मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से रहने वाला हूँ। आज हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के करीबी एरिया है सिंहपुरा, यहाँ पर सिंहपुरा फॉक्स ग्लो फेस्टिवल अरेंज किया था डीसी साहब ने और अन्य डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये फेस्टिवल यहाँ पर रखा, क्योंकि ये हमारा जो सिंहपुरा एरिया है, ये थोड़ा बैकवर्ड एरिया में पड़ता है, जहाँ की अभी तक लोग यहाँ से वाकिफ नहीं है इस एरिया से। तो मैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ये फेस्टिवल यहाँ पर अरेंज किया। और मैं तमाम आवाम से कहना चाहता हूँ जो कि जम्मू कश्मीर के से बाहर हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी ज़रूर एक बार यहाँ पर विज़िट करें और ये इस नेचर का भरपूर आनंद उठाएं। थैंक यू। चलो, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं समाज के लिए जो जितने भी काम होते हैं, मतलब जो भी डिमांड होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी जो यहाँ की पब्लिक थी सिंहपुरा की, यहाँ की एक बहुत बड़ी डिमांड ये थी कि यहाँ पे इस तरह का कोई फेस्टिवल किया जाए जिससे टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके। तो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने, खासकर हम बताना चाहेंगे कि जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं छात्रों के, और जो तहसीलदार साहब हैं, SHO साहब हैं, और डीसी साहब किश्तवाड़ जो हैं, इन सब ने मिलकर जो आज ये प्रोग्राम करवाया, जिसमें तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पे हम जो यहाँ के लोकल्स हैं, हम तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इस तरह का फेस्टिवल किया, क्योंकि इससे जो है यहाँ का टूरिज़्म जो है वो प्रमोट होगा। और अगर टूरिज़्म प्रमोट होगा, जो यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हमेशा हम लोग जो है एक डिमांड रखते थे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहब किश्तवाड़ या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, हमेशा हमने उनके सामने एक बात रखी थी हमेशा से कि यहाँ पे कोई इस तरह के जो फेस्टिवल करवाया जाए जिससे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो आज उन्होंने किया, और अभी हम जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर साहब किश्तवाड़ के साथ थे, यहाँ से टनल पॉइंट सिंहपुरा से मड़ पथरी तक जो उन्होंने अभी ट्रैकिंग की, अभी हम वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब किश्तवाड़ ने खुद भी लोगों से अपील की है कि वो यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें जो कुदरती नज़ारा
है, ये जो खूबसूरती है इसको ज़रूर देखें। और हम भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हैं और आउट ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर के बाहर के रहने वाले भी हमारे भाई बहन हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे आप एक बार यहाँ पर जो है ज़रूर आएँ। और यहाँ के जो लोकल हम लोग हैं, ये बात सच है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोकल लोग जो हैं जितना हो सकेगा उतना आपके साथ जो है कॉपरेट करेंगे, उतना आपकी जो है मदद करने की कोशिश करेंगे। किसी को यहाँ पे किसी किस्म की परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिला झिझक जो यहाँ पे आइए, यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी, साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा, यहाँ की खूबसूरती मिलेगी, यहाँ पे साथ में बड़े अच्छे जो है खूबसूरत झरने मिलेंगे, नदी नाले मिलेंगे, हर वो चीज़ जो आप देखना चाहते हो यहाँ पे मिलेगी। क्योंकि तभी इसको कहा जाता है कि जो जो है जन्नत, इसीलिए दुनिया में कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को जन्नत की तरह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज़ है जो आप जो है अपने जहन में रखते हो खूबसूरती के लिहाज से हर आपको चीज़ मिलेगी। तो एंड पे मैं तमाम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके आप लोग यहाँ पे विजिट करें, हम आपको कॉपरेट करेंगे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, और साथ ही साथ जो हमारे भाई ट्रैकिंग करना चाहते हैं वो जगह जगह पे कर सकते हैं, हम तमाम लोग जो यहाँ के लोकल हैं उनकी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ से लेके जो एंड टॉप है किश्तवाड़ का जो टॉप है जहाँ पे बाउंड्री है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की और किश्तवाड़ की, वहाँ तक यहाँ के लोकल लोग आज भी जो है गर्मी के सीजन में बसते हैं, जहाँ भी जाएंगे काफ़ी सपोर्टिव लोग आपको मिलेंगे, वो आपकी सपोर्ट करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और लोगों से अपील करूँगा कि वो जितना हो सके यहाँ पे आएँ।